नेपाल की संस्कृति और खान पान लोगों को पसंद आता है। राजधानी देहरादून में नेपाल के मोमो, सेल रोटी और सफाले जैसे व्यंजनों का स्वाद आप ले सकते हैं। जैनिशा गोरखाले फूड पॉइंट का संचालन करने वाली राधिका गुरुंग ने बताया कि ऐसे तो कई तरह के नेपाल के पकवान लोगों को पसंद आते हैं, लेकिन सेल रोटी भुटुआ और नेपाल की चटनी का कॉम्बो लोग काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। रोटी है, भुटुआ है, चटनी है, जो कि कॉम्बो पैक होता है इनको। मतलब सेल रोटी मीठा होता है और जो भुटुआ होता है वो नमकीन होता है, और चटनी के संग परोसा जाता है इसको ना। और इसमें हम लोग मोमोज है, चाउमीन है, और ये तो है ही है, बट इसके संग हमारा एक फीनी भी होता है जो हम दिवाली में स्पेशली बनता है। और जी जी सफाले भी, हाँ, कोई सैफले बोलता है, कोई सफाले बोलता है, कोई साबले बोलता है ना, इसके अलग अलग जगह का अलग अलग नाम है, लेकिन वो भी बहुत प्रचलन में है अभी। वो भी हम उत्तराखंडी है वैसे तो, लेकिन हमारे में एक बोलते हैं सिंकी का झोल, सिस्नू और ढेड़ो विद माछा और टिमूर का चटनी। हाँ, वो भी हम अभी, मतलब अभी हम लोग भी सोच रहे हैं उसको लगाने के लिए। नेपाल के व्यंजनों का स्वाद रहे महेश कार्की बताते हैं कि वह गोरखा रेजिमेंट में जो स्वाद लेते थे वह यहाँ उन्हें मिला है। देखिए, सेल रोटी और गोरखा चटनी खा रहा हूँ मैं अभी, देखिए यहाँ। और गोरखाली जो है, जो गोरखाली समाज है, उसकी ये बड़ी फेवरेट डिश होती है गोरखा चटनी और सेल रोटी। आज जो मैंने टेस्ट किया है, पहले भी मैं गोरखा रेजिमेंट से हूँ, मगर आज जो यहाँ पर खाया मुझे अपनी यूनिट की याद आ गई, गोरखा रेजिमेंट। मज़ा आ गया, मतलब देहरादून में छुट्टी आया हूँ मैं देख के बड़ा शौक हो गया कि यहाँ पर भी गोरखा चटनी और सेल रोटी है। आई एम फ्रॉम गोरखा राइफल्स, आई नॉट टेल यू द यूनिट, बट बहुत माशाल्लाह बहुत स्वादिष्ट है और बहुत और अच्छा लग रहा है मुझे। उत्तराखंड में जो है स्पाइसी है बहुत ही है, देखा पसीना कितना आ रहा है, और इसमें एक अलग जो है एक अलग अंदाज है, जायका है इसमें। वहीं मेलों उत्सवों में लोगों को नेपाल के व्यंजनों से लुभाने वाले सेम छेत्री ने बताया कि जहाँ एक तरफ सेल रोटी काफ़ी पसंद की जाती है, तो वहीं साफले भी एक नेपाल का प्रसिद्ध फास्ट फूड है जो मुंह में पानी लेकर आ जाता है। खाली चटनी बताया, जो साफले हर कोई पसंद कर रहा है, जैसे अभी कैफ़सी में जैसे बच्चे और जाते हैं जैसे पिज़्ज़ा और खाने के लिए, तो वैसे ही हमने एक पिज़्ज़ा के तौर पे हमने साफले निकाल रखा, जो नया डिश निकाल, जो काफ़ी बच्चे बूढ़े बच्चे हर कोई मज़े लेके खा सकता है अभी हमारा ये चीज़ ना। और हमारा भी जैसे मोमोज काफ़ी पसंद कर रहे लोग, हमारा भी सेल रोटी, नेपाली गोरखाली चटनी, ये काफ़ी लोग पसंद भी कर रहे हैं, काफ़ी लोग आ भी रहे हैं, और काफ़ी पसंद भी है और डिमांड भी है काफ़ी। तो अभी हम लोग ने ये चीज़ कर रखा है कि जैसे लोग अभी हम किसी को चाहिए, तो अभी हमने ऑनलाइन के उसमें हमने ये चीज़ कर रखा है हम लोग ने। देहरादून से न्यूज़ 18 लोकल के लिए हिना आज़मी की रिपोर्ट।